यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के बाद से युद्धभूमि में खतरनाक ट्विस्ट आ चुका है और यूक्रेन भारी विदेशी हथियारों के साथ रूस को सबक सिखाने के मिशन पर अब निकला था। वहीं रूस बलगरोद पर हमले और काउंटर अटैक का बदला ले रहा है। अब यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर हर पल मौत का रिस्क आखिर क्यों है? ज़ापोरोजिया और डोनेट्स्क में भयंकर रक्तपात हो रहा है। रूस के विध्वंसक प्रहारों से यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और नेटो के जिन टैंक्स और हथियारों के भरोसे यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही थी, रूस ने उन हथियारों को खत्म करना कैसे शुरू कर दिया है, इस रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन में पुतिन का बारूदी प्रलय, धमाकों से कांपती जमीन, आग से झुलसते टैंक और आर्टिलरी, तबाही का ऐसा तांडव जैसे रूस कुछ ही दिनों में पूरे यूक्रेन को खत्म कर दे। ये रूस का यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का जवाब है। एक हफ्ते से शुरू हुआ जबरदस्त प्रहार का सिलसिला रविवार आते आते तक तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है। वॉर जोन से हर पल एक नई तस्वीर आ रही है। बर्बादी का ऐसा आलम है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया यूक्रेन की इन तस्वीरों को देखकर स्तब्ध है। रशियन फौज की बारूदी बारिश के बीच यूक्रेन भी रह रहकर पलटवार कर रहा है। दोनों देशों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। यूक्रेन का गुरिल्ला वार, छिपकर दुश्मन पर प्रहार। रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी अब गुरिल्ला वॉर लड़ रही है। यूक्रेन के सैनिक छिपने के लिए आर्टिलरी से हैवी फायरिंग की मदद ले रहे हैं और धुएं में छिपकर आगे बढ़ रहे हैं। ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन के सैनिकों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने ओरेखोव से हमला किया है। यूक्रेनी फौज धुएं में छिपकर आगे बढ़ रही है। आर्म्ड व्हीकल की जगह सिर्फ आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच सबसे भयंकर युद्ध डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़्या के पास हो रहा है। रूस की आर्मी ने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर ओरेखोव के पास यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। नाटो और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करते हुए रूस की सेना ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। रूस की आर्मी के मुताबिक रूस के कमांडर्स ने इतने बड़े पैमाने पर मौत पहले नहीं देखी। ओरेखोव में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। ओरेखोव से जख्मी सैनिकों को निकाला नहीं जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। रूस की सेना का दावा है कि पश्चिमी देशों से मिले टैंक और आर्म्ड व्हीकल के साथ यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन रूस के पलटवार में यूक्रेन की पूरी बटालियन की मौत हो चुकी है। रूस की सेना का आरोप है कि नाटो देशों ने यूक्रेन को युद्ध जीतने की डेडलाइन दी, जिसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक बिना किसी रणनीति के वॉर जोन में आगे बढ़ने लगे और रूस की बेहद शक्तिशाली सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया। ओरेखोव के आगे ज़ापोरिज़्या में भी यूक्रेन को रूस पर प्रहार करने की गलती की सजा मिली। रूसी सेना का दावा है कि ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन की सेना का कमांड पोस्ट तबाह हो गया। ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन ब्रिगेड कमांडर समेत दर्जनों अफसर की मौत हो गई। ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन की सेना और अफसर सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने लेपर्ड और ब्रेडली देकर उन्हें जबरदस्ती युद्ध में भेज दिया।
खेरसोन में रूस ने यूक्रेन की सेना का हौसला तोड़ने के लिए जबरदस्त प्रहार किया है। कुप्यांस्क में रूस की सेना ने हवाई हमला किया। रूस की सेना ने कुप्यांस्क में आर्टिलरी से भी जबरदस्त प्रहार किया। यहां 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का एक आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गया। रूस के हमले में 2 D-30 हाउवित्जर भी नष्ट हो गए। रशियन फौज के ताबड़तोड़ प्रहार से खेरसोन का एक बड़ा इलाका खाली हो गया है। रशियन फौज का जवाबी हमला वक्त के साथ रफ्तार पकड़ चुका है और ज़ेपोरोजिया और डोनेट्स्क में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ज़ेपोरोजिया में 24 घंटे में रविवार को 30 यूक्रेनी सैनिकों की जान गई है। क्या आने वाले दिनों में युद्ध और भयानक होने जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। मौत और बर्बादी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंकड़े जितने डरावने हैं, वॉर जोन से आने वाली तस्वीरें भी सिहरन पैदा करने वाली है। धुएं के गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा होगा। खेरसोन के हिनिच्क इलाके में भयंकर आग लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां यूक्रेन की सेना का हथियारों का जखीरा मौजूद था, जिसे धमाके से नष्ट कर दिया गया है। दस नहीं, 20 नहीं, बल्कि यहां 116 मिसाइलों की बरसात की गई है। ओरेखोव में यूक्रेन के सैनिकों का भारी जमावड़ा था। ज़ेपोरोजिया में रशियन फौज पर हमले की बड़ी तैयारी थी, लेकिन रूस की सेना ने 116 मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन की फौज पर कहर बरपा दिया। यह रूस का मेस्ताबी होवित्जर है। यूक्रेन की सेना पर इसी से लगातार बारूद बरस रहा है। तीस किलोमीटर की रेंज होने की वजह से रूस की सेना बहुत दूर रहकर भी सटीक प्रहार करने में सक्षम है। जर्मनी का लेपर्ड टैंक यहां एक जलते हुए वाहन को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जली हुई गाड़ी के करीब रहने की वजह से लेपर्ड टैंक में भी आग लग गई। रशियन फौज ने इस वीडियो से लेपर्ड की ताकत पर सवाल उठाया है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से रूस के हथियारों को नष्ट कर रहा है। देखिए कैसे यूक्रेन का ड्रोन रशियन मशीन गन के पोजीशन को बर्बाद कर रहा है। नाटो के हथियारों को खत्म करना इस वक्त रूस का सबसे बड़ा मिशन है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद रूस की सेना पश्चिमी देशों से आए हथियारों को जब्त कर रही है। अब तक 1000 से ज्यादा हथियार रूस की सेना के कब्जे में आ चुके हैं। देखिए रूस की आर्मी कैसे चुन चुनकर विदेशी हथियारों को यूक्रेन में खत्म कर रही है। यहां लैंसेट 3 ड्रोन की मदद से रूस की सेना ने यूक्रेन के एक होवित्जर को तबाह कर दिया। पुतिन के प्रलयंकारी हमले से अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों की चिंता बढ़ गई। अमेरिका और नाटो देश अब यूक्रेन को हार से बचाने के लिए नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।